नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर आ रही है। भारतीय राज्यों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। वहीं दोस्तों बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, लेकिन दोस्तों बता दें कि तूफान से पहले गुजरात में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। जी हां साथियों, बता दें चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज लैंडफॉल करने वाला है। भारत के 8 राज्यों के लगभग 90 जिलों में हाई अलर्ट जारी हो गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR सहित 8 ऐसे राज्य हैं जो IMD के द्वारा दोस्तों अलर्ट पर रखे गए हैं। इन राज्यों में चेतावनी और सावधानी बरतने के संकेत दिए गए हैं। अरब सागर की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज शाम गुजरात के तटों से टकराएगा। ये बहुत ही भयंकर तूफान है, जिसकी वजह से गुजरात समेत 8 राज्यों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका सबसे भयानक असर गुजरात में देखने को मिल सकता है, इसलिए यहां पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 33 जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। खुद केंद्र सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं किसी भी तरह से खतरे से बचने के लिए और आम लोगों की मदद करने के लिए गुजरात के सभी 33 जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और यही नहीं, अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो वो इमरजेंसी नंबर 1077 पर कभी भी कॉल करके दोस्तों हेल्प यानी कि सहायता ले सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र तो हाई अलर्ट पर हैं ही, लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य हैं इनमें पूरा दिल्ली NCR, हरियाणा और राजस्थान के दोस्तों जो पश्चिमी जिले हैं इनमें जोधपुर मुख्य रूप से हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहां पर दोस्तों प्रशासन के द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। और राजस्थान में जो तूफान की गति है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली NCR और राजस्थान के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी तूफान का असर देखने को मिलेगा। हर राज्य की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। और राजस्थान में दोस्तों अचानक से अंधकार छा गया है, घने काले बादल छाए हुए हैं, जमकर बरसात का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा अभी अभी राजस्थान के 23 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। दोस्तों बता दें कि पिछले 24 से 36 घंटों में पश्चिमी राजस्थान और दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में जमकर बारिश हुई है, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान की बारी है। और अब दोस्तों बता दें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दोस्तों ये ऐसे जिले हैं जो बहुत ही रेड जोन में रखे गए हैं, यानी कि अगले 48 घंटों में यहां पर दोस्तों जबरदस्त बारिश होने वाली है। क्योंकि दोस्तों काले घने बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल अंधकार सा छा गया है और दोस्तों तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने दोस्तों तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया है भारी बारिश का। इससे पहले दोस्तों राजस्थान में चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी। जालौर, सिरोही, पाली, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, दोस्तों ये ऐसे जिले थे जहां पर दोस्तों बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा दोस्तों हवाई सर्वेक्षण भी किया गया था, हेलीकॉप्टर में बैठकर देखा गया था कि दोस्तों राजस्थान में कितना जो बाढ़ की स्थिति है वो कैसी है, और जो कच्चे घर हैं, कच्ची बस्तियां हैं, वो दोस्तों डूब चुकी थी। 13-13 इंच दोस्तों बारिश हुई है, यानी कि दोस्तों बता दें कि सड़कों पर लगभग 3 से 4 फुट तक पानी भर गया था। बाड़मेर में सबसे अत्यधिक बारिश हुई थी। बाड़मेर में दोस्तों लगभग 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन साथियों अब बारी है पूर्वी राजस्थान की, और पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली में जमकर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा अभी अभी जारी किया गया है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में फूटा बादल, भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब। वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से चारों ओर का इलाका जलमग्न हो गया है। जल प्रलय देखकर दोस्तों यातायात भी प्रभावित हुआ है, अंडर ब्रिजों में पानी घुस गया है। दोस्तों बता दें कि जो कच्ची बस्तियाँ हैं वो भी डूब गई हैं और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुग्राम में दोस्तों चक्रवाती तूफान का असर दिखा है, झमाझम बारिश से सड़क
के बनी तालाब जो कि आपको वीडियो में लाइव दिख रही है। यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। दोस्तों बता दें कि अरब सागर से जो चक्रवाती तूफान उठा है उसने गुजरात और राजस्थान में तो भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन अब इस तूफान का असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास और जो इसके आसपास के इलाके हैं सटे हुए दोस्तों उनमें भी देखा जा रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा की टेक सिटी गुरुग्राम में दोस्तों आज झमाझम बारिश हुई। प्री मानसून की बारिश ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया, लेकिन साथ में अपनी साथ परेशानी भी लाया जो कि आपको दोस्तों वीडियो में दिख भी रही है। दोस्तों बता दें कि देश के अधिकांश शहरों की तरह गुरुग्राम का भी ड्रेनेज सिस्टम बेकार है, जिसके कारण जरा सी भी भारी बारिश आफत का कारण बन रही है। जिसके कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बारिश के बाद भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है कि जो शहर की सड़कें हैं पानी से लबालब हो गई हैं। बताते चले भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। कई मोहल्लों में पानी भी भर चुका है। मौसम से जुड़ी हर राज्य की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताकर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में फूटा बादल, भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब। वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से चारों ओर का इलाका जलमग्न हो गया है। जल प्रलय देखकर दोस्तों यातायात भी प्रभावित हुआ है। अंडर ब्रिजों में पानी घुस गया है। दोस्तों बता दें कि जो कच्ची बस्तियाँ हैं वो भी डूब गई हैं और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुग्राम में दोस्तों चक्रवाती तूफान का असर दिखा है। झमाझम बारिश से सड़क के बनी तालाब जो कि आपको वीडियो में लाइव दिख रही है। यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। दोस्तों बता दें कि अरब सागर से जो चक्रवाती तूफान उठा है उसने गुजरात और राजस्थान में तो भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन अब इस तूफान का असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास और जो इसके आसपास के इलाके हैं सटे हुए दोस्तों उनमें भी देखा जा रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा की टेक सिटी गुरुग्राम में दोस्तों आज झमाझम बारिश हुई। प्री मानसून की बारिश ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया, लेकिन साथ में अपनी साथ परेशानी भी लाया जो कि आपको दोस्तों वीडियो में दिख भी रही है। दोस्तों बता दें कि देश के अधिकांश शहरों की तरह गुरुग्राम का भी ड्रेनेज सिस्टम बेकार है, जिसके कारण जरा सी भी भारी बारिश आफत का कारण बन रही है। जिसके कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बारिश के बाद भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है कि जो शहर की सड़कें हैं पानी से लबालब हो गई हैं। बताते चलें भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। कई मोहल्लों में पानी भी भर चुका है। मौसम से जुड़ी हर राज्य की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताकर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर मूसलाधार भारी बारिश को लेकर आ रही है। भारी बारिश की वजह से कई शहरों में तबाही मची हुई है। वहीं दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे कई शहरों में आफत मच गई है। पानी में डूबी दोस्तों गुरुग्राम की सड़कें। जयपुर दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, जो आप दोस्तों वीडियो में भी देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, बता दें दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज झमाझम यानी कि दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, और इससे दोस्तों लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो दोस्तों जाम होता दिखाई दिया है। लोग दोस्तों सड़कों को अपने जो कपड़े हैं उसे ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोस्तों लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी भी दोस्तों पोल खुली है। बताते चले दोस्तों, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में भी दोस्तों इस वक्त जमकर बरसात हो रही है कई इलाकों में, जिसकी वजह से दोस्तों आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बताते चले मौसम विभाग ने दोस्तों पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि अगले 4 दिनों तक पूरा दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश दोस्तों ये ऐसे राज्य हैं जहां पर चक्रवाती तूफान का असर अभी भी देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। दोस्तों बता दें कि जो आज भारी बारिश हुई है इससे जयपुर और दिल्ली हाईवे की जो सर्विस रोड है उसके साथ साथ हाईवे पर भी जाम लगा रहा, और दोस्तों ये जाम घने देर तक लगा रहा क्योंकि जो साधनों की संख्या है वो भी ज्यादा हो गई थी। दोस्तों हर अपडेट मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों को लेकर आ रही है। साथियों बता दें कि अचानक से मूसलाधार बारिश हो जाने की वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। दोस्तों लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, दोस्तों तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अचानक से मौसम बदला है और झमाझम बारिश शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों राहगीरों को परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों लगभग 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। और दोस्तों बता दें कि जो हरियाणा का गुरुग्राम है, ये गुरुग्राम का यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं गुरुग्राम की जो सड़कें हैं पूरी तरह से लबालब हो गई हैं पानी की वजह से। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी जो झमाझम यहाँ पर बारिश हुई है, ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे दोस्तों साधन ही नहीं बल्कि जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उनको भी दोस्तों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दोस्तों जो अंडर ब्रिज हैं उनमें भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से दोस्तों जो ट्रैफिक पुलिस है उसके भी पसीने छूट रहे हैं ट्रैफिक को चालू करवाने की वजह से। दोस्तों बता दें कि भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में आफत आ गई है और जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें भी दोस्तों पानी घुस गया है, जिसकी वजह से महामारी फैलने का जो खतरा है वो भी दोस्तों अब मंडरा रहा है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि देखिए पूरा दिल्ली, NCR, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ पर दोस्तों मौसम विभाग के द्वारा पहले ही पूर्व अनुमान जारी किया था कि चक्रवाती तूफान का असर अभी दोस्तों घटा नहीं है। अभी दोस्तों अगले 4 दिनों तक इसी प्रकार की जो बारिश है वो होने वाली है। वहीं साथियों आपको बता दें देखिए अगले 24 से 36 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूरा दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर चक्रवाती तूफान का असर रहेगा तथा दोस्तों जबरदस्त बारिश होगी। तथा दोस्तों बता दें कि मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून आज से ही पूरे देश में सक्रिय हो रहा है, झमाझम बारिश सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर और देखते ही देखते भर भर आकर गिरने लगा पहाड़। इस समय देश के 8 राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए पड़े हैं। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से स्कूलों भी बंद करनी पड़ी है। लेकिन साथ ही बता दें कि देखिए भारी बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है कई राज्यों में। लेकिन दोस्तों अंडर ब्रिजों में पानी घुस गया है, गड्ढे भरे हुए हैं और आकाशीय बिजली गिर रही है, यानी कि दोस्तों जो कुदरत है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दोस्तों पिछले 24 घंटों में वज्रपात की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है और इनमें दोस्तों किसान मुख्य रूप से हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मंडी शहर के साथ लगते कहनवाल गांव का है और जहां से दोस्तों यहां एक सड़क जा रही थी। पिछली कल और रात को दोस्तों हुई बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण पूरी सड़क बंद हो गई थी। हालांकि यह भूस्खलन वैसे तो दोस्तों कम था, जिसे हटा भी दिया गया है और सड़क को बहाल कर दिया गया है, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिर रहा है। और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल, इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों बता दें कि देखते ही देखते जो पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा है पूरी तरह से जमींदोज हो गया। यह मंजर देखने में डरावना लग रहा था। इस घटना के बाद से अब कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बाधित हो गई है। हालांकि प्रशासन ने विभाग के माध्यम से मशीनरी मौके पर भिजवाकर मलबे को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि सड़क को यातायात के लिए बहाल किया जा सके। दोस्तों बता दें कि मौसम विभाग ने शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है इस समय, और इस दौरान कई क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाएं भी पेश आ सकती हैं। ऐसे में विभाग की तरफ से सैलानियों और स्थानीय जनता को सावधानी बरतने और लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक जो कि सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, उन्होंने बताया है कि भारी बारिश से सड़कें और रास्ते बंद हो सकते हैं, ऐसे में लोग सावधानी बरतें। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से अचानक से पुल बह गया है और गांव में 200 लोग दोस्तों बुरी तरह से फंस गए हैं। जी हां साथियों, बता दें मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड के
चमोली में पहाड़ों से पत्थर गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है। पिछले 10 दिनों में यह हाईवे चौथी बार दोस्तों बंद हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में शुक्रवार को बादल फटने से अचानक से देखते ही देखते पुल बह गया है। यहाँ दोस्तों बता दें कि चलगांव में 200 लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू करने जा रही SDRF की टीम भी फंस गई है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में दोस्तों पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। केरल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलपुज्जा के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और यहाँ सड़कों पर नाव चलानी पड़ी है। और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल, इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वहीं दोस्तों बता दें कि जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते पहलगांव और बालटाल दोनों रूट पर अमरनाथ जो यात्रा है वो रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को बालटाल और नुनवान जो बेस कैंप है यहाँ पर रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ दर्शन कर चुके हैं। दोस्तों हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय मौसम चैनल, जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट करवाई जाती है। इसलिए बेझिझक होकर अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हां साथियों, बता दें अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब मौसम को लेकर। और इस वक्त दोस्तों पंजाब में जमकर बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दोस्तों नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी पसीने गए हैं और अभी अभी इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं विस्तार से, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। जी हां साथियों, बता दें पंजाब में आज जो भारी बारिश का दौर है वो शुरू रहा है और पूर्वी मालवा के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। वहीं दोआब के लिए येलो अलर्ट है जिसके तहत आने वाले कुछ घंटों में जमकर बारिश होगी। वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों पर चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरकार अनुराग वर्मा ने भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन और आगे की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुला ली है। ये मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है जिसमें पुलिस, पावरकॉम, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर समेत दूसरे विभागों के अफसर शामिल हैं। साथियों आप सभी को पता है, देखिए जब एक लेवल तक बारिश होती है तो वो किसानों के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन लगातार जब बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसके कारण दोस्तों यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पानीपत, अंबाला और जालंधर वाला जो हाईवे है उसको भी दोस्तों थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। वहीं दोस्तों बता दें फिल्लौर में पंजाब पुलिस एकेडमी के अंदर पानी घुस गया है। वहां गोल्फ क्लब रेंज की पार्किंग में खड़ी करीब 250 गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। पंजाब पुलिस के जवान गाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं। SDRF और NDRF की जो टीमें हैं वो दोस्तों तैनात हैं। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों पंजाब ही नहीं, इस समय देश के लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और छोटे से छोटे नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। इस कारण दोस्तों अपने जो बच्चे हैं उनको भी आप सावधानी से रखें, अलर्ट रखें, क्योंकि दोस्तों देखिए लगातार जो हादसे हैं उनकी खबर सामने आ रही है। हर अपडेट मैं आपको चैनल पर देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल। और आज आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाओगे। जी हां साथियों, बता दें अभी अभी राजस्थान से इस प्रकार की खबर आई है जो कि आग की तरह फैल गई है। राजस्थान का दोस्तों एक जिला है अलवर, जिसमें एक अचंभित कर देने वाली खबर सामने आई है और आपने अभी तक ऐसी खबर सुनी भी नहीं होगी, लेकिन जब दोस्तों आप इस खबर को सुनोगे तो आप भी अचंभे में पड़ जाओगे। जी हां साथियों, बता दें राजस्थान के अलवर में मिला है चांदी का पहाड़। और दोस्तों जैसे ही ये जानकारी मिली तो पुलिस फोर्स तैनात हो गई। दोस्तों बता दें कि अलवर जिले के जो रेणी उपखंड है यहाँ का दोस्तों एक गांव है बिलेटा, और बिलेटा पाटन गांव की जो डूंगरियां हैं दोस्तों यहाँ पर चमकीला पत्थर मिला है जो कि आप दोस्तों वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर ये पत्थर मिलने के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोस्तों इन जो ये पत्थर हैं इनमें चांदी हो सकती है। हालांकि जो रसायन शास्त्री हैं डॉक्टर रामानंद यादव, इन्होंने इस बात का दावा किया है कि इसमें चांदी है, लेकिन चांदी होने की जो पुख्ता जानकारी है वो
जियोलॉजिकल विशेषज्ञों की जो टीम है वो दोस्तों करेगी। बताया जा रहा है कि खबरों में आने के बाद पहाड़ी पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही ये भनक लगी है कि इस पहाड़ी में चांदी निकल रही है, तो लोग जो वहाँ पर पत्थर पड़े हुए थे उनको दोस्तों लूट लूट कर ले जाने लग गए हैं। दोस्तों बता दें कि बल यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात किया गया है ताकि इस पहाड़ी से कोई खुदाई न करे, क्योंकि मकान बनाने के लिए ग्रामीण इस पहाड़ी से पहले ही पत्थर ले जा चुके हैं और अब यहाँ पर जो जियोलॉजिकल की टीम है पत्थरों के सैंपल को लेकर उनका जो परीक्षण है वो दोस्तों कर रही है। बताते चलें दोस्तों, रसायन शास्त्री डॉक्टर रामानंद यादव ने बताया कि जब इन पत्थरों की लैब में जांच कराई गई तो उसमें चांदी के साथ साथ जो लेड जैसी कीमती धातु है उसके भी दोस्तों होने के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने बताया है कि गांव में चमकीले पत्थर की जानकारी उनके छात्रों ने दी थी और उसी आधार पर जो गाँव है दोस्तों वहाँ पर इकट्ठा हुआ और वहाँ के सैंपल लेकर आए। सैंपल की जाँच अलवर जिले के भिवाड़ी और उदयपुर लैब में कराई गई है। उदयपुर की जो रिपोर्ट है वो आ गई है जहां चांदी की मात्रा बताई गई है, जबकि भिवाड़ी की रिपोर्ट है वो दोस्तों आना बाकी है। अगर दोस्तों सचमुच ही यहां पर चांदी निकलने लग जाएगी और आप भी दोस्तों राजस्थान के हो तो कौन कौन वहां से चांदी लेकर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या सच में तलाकशुदा है अंजू? कितना सच है पाक मीडिया का यह दावा? मीडिया में मचा हडकंप, सीमा हैदर के बाद अब अंजू नसरुल्ला की कहानी दोस्तों नया मोड ले रही है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत पहुँचने को लेकर उठा बवाल। अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा बवाल उठ गया है। अब दोस्तों बता दें कि भारतीय महिला अंजू के पाकिस्तान जाने की खबरें सामने आई हैं और सभी को चौंका दिया है। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अंजू अपना वैध वीजा के साथ पाकिस्तान गई हैं और वह वहां 30 दिनों तक बिल्कुल सेफ्टी के साथ रह सकती हैं। अंजू के इस कदम से एक तरफ जहां उनके परिजन हतप्रभ हैं, सोचने को मजबूर हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी उनके बारे में जानने को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। इन सब के बीच पाकिस्तानी मीडिया में अंजू को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनकी हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के जो प्रतिष्ठित अखबार है उनके दोस्तों डिजिटल प्लेटफार्म पर अंजू को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई है और इसका शीर्षक है, भारतीय महिला अपने मित्र से मिलने अपने दीर पहुंची। इस खबर में एक जगह दावा किया गया है कि अंजू तलाकशुदा है। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए किसी आधिकारिक सूत्र या दस्तावेज का हवाला भी नहीं दिया गया है। हालांकि सच्चाई पाकिस्तानी मीडिया के दावे के उलट है। अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी यानी कि अलवर के पास निवासी अरविंद नाम के शख्स से हुई है। अंजू और अरविंद के दो बच्चे भी हैं। अंजू के पति अरविंद ने इस घटना के बाद कहा है कि उनकी पत्नी ने पाकिस्तान जाने के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया और जयपुर जाने की कहकर गई थी। वहीं अंजू ने बताया कि यदि वह अपने पति को इस बारे में बताती तो वह उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त कभी भी नहीं देता। वहीं दोस्तों बता दें कि जो अंजू है जो कि पाकिस्तान गई है वो उनकी अंजू और अरविंद की शादी 2007 में हुई थी। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आखिरकार चल क्या रहा है, कोई पाकिस्तान से भारत आ रही है तो दोस्तों अब हमारे भारत से भी पाकिस्तान जा चुकी है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर चक्रवाती तूफान को लेकर आ रही है। देश में मानसून सक्रिय है और एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा चक्रवाती तूफान उठा है, भारतीय राज्यों से आज रात टकराने वाला है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। कई जगह रेड तो कई जगह ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बताते चलें देश में बारिश का दौर लगातार जारी है, कई राज्यों में भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया है तो वहीं कई राज्यों में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं महाराष्ट्र में बारिश से लोगों की आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिले हैं जहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में भारी बारिश से दोस्तों बाढ़ की आशंका मौसम विभाग
विभाग के द्वारा जताई गई है। बताते चले मौसम विभाग ने राज्य के 3 तटीय जिलों उडुपी, दक्षिणी कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में बीते 24 घंटों में 10-10 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। यानी कि दोस्तों गंगा और यमुना भी बेकाबू चल रही हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। पुरानी दिल्ली का ओल्ड रेलवे ब्रिज रेल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। यमुना नदी का जलस्तर दोस्तों सुबह खतरे के निशान से 205.33 मीटर से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रहा है। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दोस्तों पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दोस्तों यहां पर जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के द्वारा दोस्तों नई चेतावनी के साथ अलर्ट जारी कर दिया है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं यह भी कॉमेंट बॉक्स में बताकर जाएँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अंजू का पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्ला का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया में हडकंप मच चुका है। सीमा हैदर के बाद दोस्तों अब अंजू मीडिया में हलचल मचा रही है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारतीय महिला अंजू के पाकिस्तान जाने के मामले में अब एक नया मोड सामने आ गया है। उनके पाकिस्तानी मित्र जिसके पास वो गई थी और अभी भी उसके पास रह रही है, मित्र नसरुल्ला ने लव एंगल वाली जो खबर चल रही थी मीडिया पर, उनको दोस्तों खारिज कर दिया है। उनके दोस्त नसरुल्ला का कहना है कि अंजू केवल पाकिस्तान घूमने के लिए आई है और घूमने के मकसद से ही आई है। उनका शादी करने का कोई भी प्लान नहीं है, वह जल्द ही भारत वापस आने वाली है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो मीडिया में खबर चल रही थी वो ये चल रही थी कि अंजू इसलिए गई है कि सबसे पहले सगाई होगी और दोस्तों उसके बाद में जब दोबारा जाएगी तो फिर शादी ही होगी। लेकिन दोस्तों अभी अभी जो अंजू का पाकिस्तानी मित्र है नसरुल्ला खान, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान दोस्तों यही है कि उनका शादी करने का कोई भी बड़ा प्लान नहीं है, वह जल्द ही भारत वापस भेज देंगे अंजू को। लेकिन दोस्तों दोनों देशों के मीडिया में ये खबर चल रही थी कि आखिरकार सगाई ही नहीं करनी थी, शादी ही नहीं करनी थी, तो आखिरकार अंजू पाकिस्तान गई क्यों? तो दोस्तों उसके पाकिस्तानी मित्र नसरुल्ला खान ने बयान दिया है कि वो सिर्फ भारत से पाकिस्तान घूमने के लिए आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू के जो दोस्त हैं नसरुल्ला, उन्होंने कहा है कि वीज़ा समाप्त होने के बाद वह 20 अगस्त 2023 को अपने देश वापस चली जाएगी। उन्होंने कहा है कि अंजू उनके परिवार की अन्य महिलाओं के साथ रह रही है, वह उनके घर के एक अलग कमरे में रह रही है। दोस्तों जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने भी हलफनामा दिया है और जो नसरुल्ला खान के गांव वाले हैं वो भी नहीं चाहते कि उनकी बदनामी हो। वहीं दोस्तों पति को भी, जो अंजू का पति है भारत में भिवाड़ी का अरविंद, उनको भी दोस्तों ये उम्मीद है कि अंजू जल्द ही वापस अपने घर लौटेगी। लेकिन साथियों आप भी जनता जनार्दन हैं, कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं हमें कि जिस प्रकार से अंजू ने किया है वो दोस्तों कहां तक सही है। अपने पति को धोखा देकर दोस्तों पाकिस्तान चली गई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अंजू के भाई ने अभी अभी बड़ा भंडा फोड़ किया है। मीडिया में हडकंप, अंजू और अरविंद के संबंध को लेकर भी अंजू के भाई ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से पंजाब होकर पाकिस्तान पहुँची अंजू के भाई डेविड ने उसे लेकर कई बातें अभी अभी शेयर की हैं। डेविड ने कहा है कि जब उन्हें पता चला कि अंजू पाकिस्तान पहुँच गई है तो परिवार लोगों को काफी धक्का लगा है, क्योंकि उसने हमें पहले जयपुर जाने की बात कही थी, फिर अमृतसर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों अमृतसर पहुंचकर फोन किया और बताया कि वह घूमने के लिए जयपुर की बजाय अमृतसर आ गई है। लेकिन दोस्तों वह यहीं नहीं रुकी, उसके बाद जब उसने हमें बताया कि वो लाहौर में है तो हम हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए। घर वालों ने उसे इसके लिए डांटा भी, लेकिन उसने हमें तसल्ली दी कि वो पाकिस्तान में सेफ है और 2 दिन के बाद लौट जाएगी। दोस्तों अरविंद यानी कि
अंजू का जो पति है उसके साथ सबसे बड़ा धोखा भी किया है। डेविड ने कहा है, एक तो देश में सीमा हैदर वाला केस चल रहा है, ऊपर से ऐसे टाइम पर अंजू पाकिस्तान चली गई है तो हमें काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ वैसे ही अच्छे संबंध नहीं हैं। अगर वो किसी के बहकावे में आकर वहाँ गई है और उसका कोई गलत इरादा है तो उसे वापस बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए, वो वहीं रहे, क्योंकि जो देश से गद्दारी करेगा ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये दोस्तों कहना है अंजू के भाई डेविड का, क्योंकि दोस्तों अंजू के भाई डेविड से अभी मीडिया कर्मियों के द्वारा दोस्तों बात की गई है। अंजू के पति अरविंद के साथ कैसे संबंध है, ये मीडिया वालों ने पूछा। इस सवाल के जवाब में डेविड ने कहा कि उन दोनों के आपसी संबंध अच्छे हैं और दोस्तों हमने कभी नहीं सुना कि दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा है और चल रहा है। दोनों के दो बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है, बाकी पति पत्नी के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। हमें तो बस इतना पता है कि परिवार अच्छे से चल रहा था, लेकिन न जाने दोस्तों अंजू ने क्या कर दिया और पाकिस्तान पहुंच गई। वहीं दोस्तों हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। वहां पर जो दोस्तों उसका वो दोस्त ही बता रहा है जो कि उसका नाम है नसरुल्ला, दोस्तों वो अब क्या करेगा, अंजू अब क्या करेगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आखिरकार पाकिस्तान पहुंची अंजू ने कबूल कर ही लिया इस्लाम धर्म, अंजू और नसरुल्ला ने किया निकाह। इस वीडियो में सारी जानकारी लाइव देखने को मिलेंगी। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, फेसबुक फ्रेंड से मिलने भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने अब धर्म परिवर्तन कर ही लिया है। अंजू अब फातिमा बन गई है और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर अपने दोस्त नसरुल्ला से निकाह भी कर लिया है। गौरतलब है कि वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई अंजू ने कहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने गई है और कुछ दिनों में लौट आएगी। दोस्तों ऐसी स्त्री पर विश्वास करे तो कैसे करे, क्योंकि जब से दोस्तों भारत के जो राजस्थान राज्य है यहाँ से गई है तब से लेकर अब तक दोस्तों झूठ ही झूठ बोलती जा रही है। दोस्तों अपने पति से कहकर गई थी सबसे पहले कि मैं जयपुर जाऊंगी अपनी सहेली के पास, लेकिन दोस्तों जयपुर से पहुँच गई दिल्ली, वहाँ से अमृतसर और अमृतसर से दोस्तों डायरेक्ट पहुँच गई पाकिस्तान। 2 साल से दोस्तों लगातार तैयारियाँ कर रही थी पाकिस्तान जाने की, वीज़ा दोस्तों बनवा गई है, पूरे लीगल तरीके से वो पाकिस्तान पहुंची है। दोस्तों अभी की इस वक्त की अगर हम बात करें तो हालांकि अब उसके निकाह कर लेने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। अंजू पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। दो बच्चों की मां दोस्तों आजकल देखिए लड़कियों पर नहीं बल्कि महिलाओं पर विश्वास करे तो कैसे करे। एक बच्ची है उसके, वो 15 साल की है, और एक लड़का है जो कि 6 साल का है। और अंजू ने अब धर्म बदलने से पहले दोस्तों, पहले वो ईसाई थी और अब मुसलमान बन गई है, और अंजू से उसने अपना नाम दोस्तों फातिमा भी रख लिया है। पाकिस्तान कोर्ट में यह निकाह हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों यह खबर सामने आई है। वैसे हर अपडेट पल पल की इस चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही दोस्तों इस महिला के बारे में कॉमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कुछ न कुछ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, कार में बैठी पूरी की पूरी फैमिली का भयंकर एक्सीडेंट, लाशों ही लाशों का लगा ढेर, एम्बुलेंस गाड़ियां तत्काल रवाना, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए हैं तथा शोक की लहर छा गई है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान का एक जिला पड़ता है बीकानेर। बीकानेर के बज्जू में सड़क हादसे में पति पत्नी और माँ की दर्दनाक मौत हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, तीनों कार से रामदेवरा जा रही थी और रामदेवरा पड़ता है दोस्तों जैसलमेर में, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। रास्ते में कार एक बस से जा भिड़ी, 3 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। दोस्तों बता दें कि जो मृतक हैं वो जयपुर के रहने वाले थे और ये हादसा आज शाम दोस्तों 5 बजे बज्जू थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे में 2 बच्चे और पिता अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं जो मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए हैं जिसे राहगीरों ने PBM अस्पताल पहुंचाया। वहीं दोस्तों जैसे ही इस हादसे की खबर गांव वालों को लगी तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, शोक की लहर छा गई, पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं जले, क्योंकि दोस्तों बहुत ही दर्दनाक हादसा था सुबह सुबह। इसलिए दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ कि आप
गाड़ी ड्राइव करो तो बड़ी सेफ्टी से आपको गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसे ना हो, क्योंकि दोस्तों इन हादसों में किसी माँ का लाल बिछड़ जाता है तो किसी बहन का भाई बिछड़ जाता है। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। कार में बैठी पूरी की पूरी फैमिली का भयंकर एक्सीडेंट, लाशों ही लाशों का लगा ढेर। एम्बुलेंस गाड़ियां तत्काल रवाना, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए हैं तथा शोक की लहर छा गई है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान का एक जिला पड़ता है बीकानेर। बीकानेर के बज्जू में सड़क हादसे में पति पत्नी और माँ की दर्दनाक मौत हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, तीनों कार से रामदेवरा जा रही थी और रामदेवरा पड़ता है दोस्तों जैसलमेर में, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। रास्ते में कार एक बस से जा भिड़ी, तीन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन घायल हो गए हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। दोस्तों बता दें कि जो मृतक हैं वो जयपुर के रहने वाले थे और ये हादसा आज शाम दोस्तों 5 बजे बज्जू थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे में 2 बच्चे और पिता अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए हैं जिसे राहगीरों ने PBM अस्पताल पहुंचाया। वहीं दोस्तों जैसे ही इस हादसे की खबर गांव वालों को लगी तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, शोक की लहर छा गई, पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं जले, क्योंकि दोस्तों बहुत ही दर्दनाक हादसा था सुबह सुबह। इसलिए दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, कि आप गाड़ी ड्राइव करो तो बड़ी सेफ्टी से आपको गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसे ना हो, क्योंकि दोस्तों इन हादसों में किसी माँ का लाल बिछड़ जाता है तो किसी बहन का भाई बिछड़ जाता है। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। महिला ने तकिए से मुंह दबाकर अपने ही जुड़वा मासूमों को उतारा मौत के घाट, मां की ममता हुई शर्मसार, ऐसे हुआ वारदात का खुलासा। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आपका दिल दहल उठेगा। दरअसल एक महिला ने अपने 9 महीने की जुड़वा मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने दोनों बेटियों के मुंह पर तकिया रखकर इस घटना को अंजाम दिया। ये जो घटना है दोस्तों 12 जुलाई 2023 की है। इस घटना के बाद जब पति ने घर आकर देखा कि उसके मकान के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है तो वह अचंभित रह गया और दंग रह गया कि आखिरकार हुआ क्या। घर के अंदर जब पत्नी से जाकर उसने पूछा तो पत्नी भी जोर जोर से रो रही थी और पूछने पर पत्नी शीतल ने बताया कि तबीयत खराब होने के चलते अचानक से जो 2 मासूम बेटियाँ थी जिनका नाम जानकी और जानवी थी उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिवार ने शीतल की बातों पर विश्वास करके बिना पोस्टमार्टम कराए ही दोनों बच्चियों के शवों को दफना दिया। अब दोस्तों बता दें कि बच्चियों की मौत के 3-4 दिन बाद पड़ोस में रहने वाली महिला को शीतल ने बताया कि जानकी और जानवी की उसने खुद ही तकिए से मुंह दबाकर हत्या की है। शुरुआत में किसी को यह विश्वास नहीं हुआ और हर किसी को यही लग रहा था कि बेटियों की मौत से दुखी होकर वह ऐसा कह रही है। लेकिन रविवार को जब शीतल के माता पिता ने पूछताछ की तो उसने फिर से माना कि उसने ही जानकी व जानवी का मुंह पर तकिया रखकर दबाव डालकर हत्या कर दी है। इसके बाद पति जगदीप ने थाने में पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों अब आप ही बताइए, ये पूरी तरह से यहाँ पर ममता शर्मसार हुई है। एक माँ ने दोस्तों पहले 2 मासूम बेटियों को, जो कि जुड़वा बेटी थी जानकी और जानवी, उनको जन्म दिया और दोस्तों अपने ही हाथों से तकिए से मुंह दबाकर दोस्तों हत्या कर दी जाती है। आखिरकार इस माँ के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। किस राज्य और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर विशाल उल्का पिंड को लेकर आ रही है। धरती से टकराने वाला है विशाल एस्टेरॉइड, यानी कि दोस्तों उल्का पिंड आते रहते हैं, लेकिन अब जो उल्का पिंड आ रहा है उसे देखकर दोस्तों नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। तेजी से बढ़ रहा है आगे, नासा ने बताया दोस्तों इसका अंजाम क्या होगा। संपूर्ण जानकारी वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। अंतरिक्ष की दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है। कभी किसी एस्टेरॉइड यानी कि दोस्तों जो उल्का पिंड है धरती की ओर बढ़ने से खतरा सामने आ जाता है, तो कभी कोई नया तारा वैज्ञानिकों की नज़र में आ जाता है। हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने चेतावनी जारी की है कि एक भारी भरकम विशाल उल्का पिंड धरती की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो उसकी कक्षा से अगले हफ्ते टकरा सकता है। नासा के मुताबिक इस विशाल एस्टेरॉइड का साइज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग शंघाई टावर के बराबर है। ये अगले हफ्ते में धरती की कक्षा से टकराते हुए आगे जाएगा। दोस्तों बताते चलें, साल 2015 में बने शंघाई टावर की ऊंचाई 632 मीटर है और ये उल्का पिंड भी इसी के बराबर का है, यानी कि 632 मीटर ऊँचाई का ये विशाल उल्का पिंड है। आशंका जताई जा रही है कि ये 4 अगस्त को धरती की कक्षा से टकरा जाने वाला है। वहीं दोस्तों बता दें कि डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस उल्का पिंड का जो नाम है वैज्ञानिकों के द्वारा QL433 रखा गया है और ये बेहद तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। इसका साइज बहुत बड़ा है। ये हर 6 साल में शुक्र ग्रह से ब्लास्ट होता है और हर 3 साल में धरती के पास से बिल्कुल होकर गुजर जाता है। दोस्तों अभी इसकी जो दिशा है वो धरती की ओर मुड़ी हुई है। वैज्ञानिक लगातार नज़र बनाए हुए हैं। नाम दोस्तों QL433 रखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा और यह उल्का पिंड करीब 47,232 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों लगातार धरती की ओर बढ़ रहा है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही कहां से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भारी बारिश को लेकर आ रही है। इस वक्त देश के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और जमकर बारिश करा रहा है। ऐसे में दोस्तों नदी और नाले उफान पर हैं। पुराने से पुरानी जो नदियां हैं जो कि सूख चुकी थी वो भी अब उफान पर चल रही हैं और जो मुख्य नदी हैं जैसे गंगा और यमुना ये भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जी हाँ साथी, बता दें उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे खतरनाक यानी कि बहुत भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से देश के 10 राज्यों के लगभग 160 जिले हैं जहां पर आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली NCR में दोस्तों पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। आलम यह है कि ग्रेटर नोएडा में स्कूलों में छुट्टी भी करनी पड़ी है। बारिश के चलते जल थल एक हो गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगह ऐसा लग रहा है जैसे मानो समंदर का नज़ारा लोग ले रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की गति पर ब्रेक लगी है। बाइक चालक पैदल जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र की, यहाँ पर भी जमकर बारिश हो रही है और महाराष्ट्र में दोस्तों जो ट्रेनें हैं लोकल ट्रेनें वो भी दोस्तों रद्द कर दी गई हैं कई भारी बारिश की वजह से। दिल्ली NCR के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम वाले इलाकों में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है और जो यहाँ की मुख्य नदी है दोस्तों हिंडन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके कारण नोएडा इकोटेक क्षेत्र में पानी भर गया है और हज़ारों जो गाड़ियाँ हैं वो भी दोस्तों डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ के दोस्तों जो लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं वहाँ के लेकर। दोस्तों कुछ लोग नाव की सवारी कर रहे हैं सड़कों पर ही। और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ही नहीं दोस्तों, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है इसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर वाला इलाका दोस्तों यहाँ पर भी जमकर बारिश हुई है। और अब की बार दोस्तों पूर्वी राजस्थान में कम जबकि पश्चिमी राजस्थान में जमकर बारिश हो रही है। अभी भी लगातार दोस्तों अगले 4 दिन तक यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर अंजू को लेकर आ रही है। प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। पिताजी बोले उसे वहीं मरने दिया जाए, सोचा नहीं था बेटी ऐसा शर्मनाक काम क्या करेगी। कह सकता हूं इसमें मेरी तरफ से, तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा हूँ मैं, तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था
फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। आपके दामाद से बात हुई होगी? नहीं, मेरी कोई दामाद से बात नहीं हुई। आपने बताया था कि उनसे बातचीत चल रही है? नहीं, दामाद से मेरी आज सुबह मतलब उसका फोन आया था लड़के का, तो वो कुछ वीडियो पर भेज रहा था मेरे पास कि वो ऐसे ऐसे सगाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, बस इतनी सी बात हुई थी। वीडियो उसने वहाँ से जारी करी है? कहाँ से? शादी करी उसने पाकिस्तान से, वीडियो जारी की है, वो आपने देखी भी है? हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप कर रहे तो कर रही तो करने दो, आप कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। पहले से कुछ ऐसा अंदेशा था आप लोगों को भी ऐसा कोई कदम उठा सकते? नहीं, मुझे तो कोई अंदेशा नहीं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है ये, पूरे भारत देश की बात है ये। इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं और ऐसे किया है, वो बहुत एक शर्मनाक बात है, एक शर्मसार होने वाली बात है। दो बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। नमस्कार दोस्तों, अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम फेमस एक्टर और सिंगर का निधन, पीएम मोदी हुए भावुक। पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, आज होगा अंतिम संस्कार। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुख की खबर सामने आ रही है। खबर के अनुसार पंजाबी सिंगर सुरेंद्र सिंदा की मौत हो गई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज यानी कि 26 जुलाई 2023 को उन्होंने लुधियाना के अस्पताल में आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि 64 वर्षीय सुरेंद्र सिंदा पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। सिंगर सुरेंद्र सिंदा की मौत, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगर सुरेंद्र सिंदा का DMC अस्पताल में निधन हो गया है। लुधियाना के इस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तबीयत खराब होने के चलते वे पिछले 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत में कोई भी सुधार नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था और फिर कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, यह देखकर जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें दोस्तों शोक की लहर छा गई है, मातम सा पसर गया है। क्योंकि दोस्तों ये प्रसिद्ध लोक सिंगर थे वहाँ के, बहुत ही अच्छे थे, स्वभाव भी बहुत अच्छा था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंजीनियर के घर विजिलेंस टीम की रेड, नोटों ही नोटों से भरा मिला पूरा कमरा। नोट गिनने के लिए बुलानी पड़ी मशीन, ट्रॉली बैग में रखे थे नोटों के बंडल। जी हां साथियों, आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से नोटों ही नोटों के बंडल यहां पर दिख रहे हैं। 500-500 नोटों के जो बंडल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, जिसके घर रेड पड़ी है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बल्कि इंजीनियर है। और इंजीनियर के घर से दोस्तों बता दें कि 80 लाख कैश तो बरामद कर लिया गया है और अभी दोस्तों लगातार नोटों की गिनती चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से। भागलपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर विजिलेंस टीम की रेड जारी है। दोस्तों बता दें कि यहां पर बुधवार को पटना के ऑफिस और भागलपुर के घर में टीम ने छापा मारा है। इस छापेमारी में 2 ट्रॉली बैग रुपयों से भरे हुए मिले हैं। इसमें 80 लाख से ज़्यादा कैश मिला है। नोट गिनने के लिए दोस्तों मशीनें मंगवाई गई हैं, क्योंकि अधिकारियों पर इतने सारे पैसे नहीं गिन रहे हैं। छापे में ज्वेलरी और बेनामी संपत्ति के कई पेपर्स भी मिले हैं। श्रीकांत शर्मा जोगसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान नगर में पथ निर्माण और पुल निगम विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। दोस्तों अब तो आप सभी को पता लग ही गया है, सबसे ज़्यादा जो पुल टूटते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में टूटते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये भागलपुर का है, बिहार का, ये भी दोस्तों इंजीनियर जो है वो पुल निगम विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और
इसके घर से दोस्तों 80 लाख रुपए तो फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है, कई जो पेपर्स हैं वो भी मिले हैं। दोस्तों करोड़ों की जो बेनामी संपत्ति है वो यहाँ पर मिलने की आशंका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा कि इंजीनियर के घर से कितनी रकम मिली है। अभी तक 80 लाख जो रुपये हैं वो दोस्तों गिने जा चुके हैं। दोस्तों इस प्रकार के इंजीनियरों के बारे में आप भी कॉमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ बताएँ इनके बारे में कुछ कि किस प्रकार से ये देश को बर्बाद कर रहे हैं भ्रष्टाचार करके। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बजरंग बली की आंखों से टपक रही लगातार आंसुओं की धार, भक्तों में मचा हडकंप, लोग राम नाम कीर्तन के साथ महावीर के जयकारे लगा रहे हैं। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हनुमान जी की दाई आँख से लगातार आंसुओं की धार बहती ही जा रही है। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा जिला। बांदा जिले के बदोसा थाना क्षेत्र में 11वें रुद्र बजरंग बली के दाहिने आंख से आंसुओं की लगातार धार निकल रही है। यह खबर सुनते ही मंदिर का जो प्रांगण है, आस्था और भक्ति से प्रेरित श्रद्धालुओं की यहां पर दोस्तों भीड़ लग गई। हर कोई राम नाम कीर्तन के साथ महावीर के जयकारे लगा रहा है तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। जानकारों के मुताबिक फतेहगंज के एक गुप्ता परिवार द्वारा मंदिर का निर्माण लगभग 60 वर्ष पहले पशु अस्पताल के बगल में करवाया गया था। इस मंदिर में अरसे से एक नर्सरी विद्यालय का संचालन भी हो रहा है। यहाँ एक बड़े 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों बता दें कि दोपहर से 11वें रुद्र महावीर हनुमान जी की मूर्ति की दाहिनी आंख से रुक रुक कर आंसू जैसा कोई तरल पदार्थ निकल रहा था। यह देख लोगों ने मूर्ति पर फूल माला चढ़ाना और दोस्तों बता दें कि चढ़ाकर अनजाने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे और मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में भक्त एकत्रित हो गए। स्थानीय भक्तों ने दूसरे दिन भी मूर्ति से आंसू बहते हुए देखा तो आपसी सहमति से राम नाम कीर्तन और अखंड रामायण शुरू कर दी। लोगों ने बताया कि इस मंदिर में जब से स्थापना हुई है तब से किसी महिला ने स्पर्श करने के बाद पूजा नहीं की थी। किसी महिला के स्पर्श से दुखी महावीर की आंखों से अब आंसू टपक रहे हैं। दोस्तों जिस प्रकार से बजरंग बली की दाई आंख से लगातार आंसू टपक रहे हैं, तरल पदार्थ सा जो टपक रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अंजू के केस को लेकर। दोस्तों एक तो बात चल रही है कि अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और निकाह भी कर लिया है, लेकिन दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो वो राजस्थान के भिवाड़ी की है। और यहाँ पर दोस्तों जब से मीडिया में हडकंप मचा है तो अब अंजू के घर पर दोस्तों जो फ्लैट था वहां पर ताला लग गया है। जानेंगे संपूर्ण जानकारी, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। जी हां साथियों, बता दें कि भिवाड़ी की टेरा एलिगेंस सोसाइटी में रहने वाली 35 वर्षीय अंजू अपने प्रेमी नसरुल्ला से मिलने के लिए गत 20 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच गई और उसने वहां जाकर अपने प्रेमी नसरुल्ला से निकाह भी कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें एक दिन पहले ही नसरुल्ला और अंजू की सगाई की जो पुख्ता सूचना है वो भी आई है और वीडियो पाकिस्तान से रिलीज किए गए हैं जो कि भारतीय मीडिया में भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अंजू के विषय में चल रही सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंजू का परिवार टेरा एलिगेंस सोसाइटी में दोस्तों बता दें कि सोमवार दोपहर को माइग्रेट कर गया। अंजू के पति अरविंद अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं चला गया है। आप सभी को पता है दोस्तों अंजू के दो बच्चे थे, एक 15 साल की लड़की थी और एक 6 साल का लड़का था। लेकिन साथियों आपको बता दें कि उसकी किसी को भी कोई भी सूचना नहीं है आखिरकार परिवार कहां पर गया है। और वहीं इस विषय में ना तो स्थानीय पुलिस कुछ बता पा रही है और ना ही अन्य एजेंसियों के कोई अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं। दोस्तों अंजू ने जिस प्रकार से ये कांड किया है दोस्तों कहां तक सही है? आजकल लड़कियों पर नहीं जो महिलाएं हैं, अधेड़ महिलाएं हैं, उन पर दोस्तों विश्वास करना बहुत कठिन होता जा रहा है।
एक और जहां चार बच्चों की मां दोस्तों पाकिस्तान से अनलीगल दोस्तों भाग आई है नेपाल के रास्ते, वहीं दोस्तों हमारी भारतीय जो है वो भी दोस्तों दो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है अपने प्रेमी के पास नसरुल्ला के पास। दोस्तों इन दोनों महिलाओं के बारे में कमेंट बॉक्स में आप कुछ न कुछ अपनी राय अवश्य लिखना, कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो दोस्तों आपको पाप लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर विशाल उल्कापिंड को लेकर आ रही है। धरती से टकराने वाला है विशाल और भयंकर उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉयड। वैज्ञानिक भी हैरान है, नासा के वैज्ञानिक लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि तेज़ी से धरती की ओर आगे बढ़ रहा है। नासा ने बताया है कि दोस्तों अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो इसका अंजाम क्या होगा। वैसे आप सभी को पता है दोस्तों दुनिया जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष की जो दुनिया है वो बहुत से रहस्यों से भरी हुई है। कभी दोस्तों किसी एस्टेरॉयड के धरती की ओर बढ़ने से खतरा सामने आ जाता है तो कभी कोई नया तारा वैज्ञानिकों की नज़र में आ जाता है। दोस्तों अभी अभी इस जो उल्कापिंड है इसके बारे में जानकारी मिली है वैज्ञानिकों को, और दोस्तों खगोल जो शास्त्री हैं उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी है एक भारी भरकम विशाल भयंकर उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा है जो कि उसकी कक्षा में दोस्तों अगले हफ्ते टकरा सकता है। नासा के मुताबिक दोस्तों इस विशाल उल्कापिंड का जो साइज है अपने पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है संगाई टावर उसके बराबर है। यानी कि दोस्तों इसका इसकी जो ऊंचाई है वो 632 मीटर के करीब है। वहीं दोस्तों 4 अगस्त को धरती की कक्षा से ये टकराने वाला है। वैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों इसका नाम QL433 रखा गया है और दोस्तों इसकी स्पीड 47,232 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड से संगाई टावर की ओर दोस्तों लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक दोस्तों जो नासा के हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नोटों के बंडलों से भरा मिला इंजीनियर का पूरा घर, गिनते गिनते मशीन भी हो गई हैंग। 80 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं और नोटों की गिनती अभी भी चल रही है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार का दोस्तों एक ज़िला है भागलपुर, यहाँ पर दोस्तों पथ निर्माण विभाग का एक इंजीनियर है और दोस्तों इंजीनियर के घर दोस्तों रेड पड़ी और रेड में दोस्तों बड़ी छापेमारी चल रही है, घर की निगरानी हो रही है। दोस्तों बता दें कि छापेमारी में लाखों रुपये नकदी और आभूषण यहां से अब तक बरामद किए जा चुके हैं और यह छापेमारी पुल निर्माण निगम के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा हैं। दोस्तों हनुमान नगर स्थित उनका आवास है, यहाँ पर दोस्तों ये रेड चल रही है। अब दोस्तों आप ही बताइए ये जो इंजीनियर हैं वो दोस्तों बता दें कि प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक हैं। दोस्तों आखिरकार बिहार और उत्तर प्रदेश में पुल क्यों टूट जाते हैं, उद्घाटन भी नहीं होता उससे पहले ही दोस्तों पुल टूट जाते हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए इंजीनियरों के घर तो दोस्तों रुपया भरा हुआ है, सबसे अत्यधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं दोस्तों बता दें कि पुल और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के खिलाफ पटना विजिलेंस थाना में 24 जुलाई को केस दर्ज किया गया था। इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज भी किया गया था। इसके बाद दोस्तों बता दें कि इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा और यहां पर 70-80 लाख नकद दोस्तों विजिलेंस टीम के द्वारा दोस्तों बरामद कर लिया गया है। इसमें आभूषण भी हैं और जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। एक साथ दोस्तों जो आवास हैं और कार्यालय हैं उन पर जो विजिलेंस टीम की टीम है दोस्तों उसने रेड मारी है और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दोस्तों आखिरकार दोस्तों जो इंजीनियर होते हैं उनको भी एक प्रकार से भगवान ही माना जाता है क्योंकि वो दोस्तों निर्माण करते हैं और जब दोस्तों ये लोग इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं तो आखिरकार जो सड़कें हैं वो जल्दी टूट जाती हैं, पुल उद्घाटन होने से पहले ही दोस्तों गिर जाते हैं। इनके लिए दो शब्द कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर महाविनाशकारी प्रलयंकारी और भयंकर उल्का पिंड को लेकर आ रही है। दोस्तों, इस उल्का पिंड का आकार इतना बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी बिल्डिंग का जितना आकार है। 632 मीटर दोस्तों इस उल्का पिंड की ऊंचाई है। शंघाई टावर जो कि चीन में है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके आकार का ये उल्का पिंड है। अंतरिक्ष से दोस्तों पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, धरती से टकराने वाला है। दोस्तों, यह एस्टेरॉयड यानी कि उल्का पिंड और तेजी से आगे बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिक लगातार दोस्तों इस पर नजर बनाए हुए हैं। अगर दोस्तों हम इसकी रफ्तार की अगर हम बात करें तो 47,000 कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों यह पृथ्वी से टकराने वाला है। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत भी अगर दिशा में इसकी बल दी तो दोस्तों यह सीधे पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन दोस्तों अभी सिर्फ यहाँ पर आपको बता दें कि अंतरिक्ष की वैसे जो दुनिया होती है वो बहुत ही रहस्यों से भरी हुई होती है। कभी किसी एस्टेरॉयड के धरती की ओर आने से खतरा सामने आ जाता है तो दोस्तों बता दें कि कभी वैज्ञानिक कोई नया तारा खोज निकालते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने ये चेतावनी जारी की है कि एक भारी भरकम उल्का पिंड धरती की ओर लगातार बढ़ रहा है, जो उसकी कक्षा से अगले हफ्ते यानी कि दोस्तों अनुमान लगाया गया है कि 4 अगस्त को टकरा सकता है। वहीं दोस्तों बता दें कि 632 मीटर ऊंचाई का जो शंघाई टावर है उसके बराबर का उल्का पिंड है यह, और 47,232 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों जो नासा के वैज्ञानिक है, अमेरिका स्पेस एजेंसी, दोस्तों उनने इसका उल्का पिंड का जो नाम है वो QL-4-3-3 रखा है। दोबारा से आपको बता दें दोस्तों QL-4-3-3 रखा है। साथियों बताते चले, रेडशिफ्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट के मुताबिक इस विशाल उल्का पिंड को पोटेंशियली हैजार्डियस एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो धरती के काफ़ी करीब आ सकता है। राहत की बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराकर उसे तबाह कर देगा, लेकिन नासा को इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसे अब तक 233 बार धरती के किनारे से गुजरते हुए देखा गया है, लेकिन 1905 में इसे रिकॉर्ड किया गया था। वैसे पल-पल की अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों भयंकर बारिश को लेकर। भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जो कि आप वीडियो में लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, सड़क पर जो मोटरसाइकिल हैं और अन्य वाहन हैं वो दोस्तों आपको डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों शहरों में जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं वो तो दोस्तों पूरी तरह से कई राज्यों में तबाह हो गई हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का जो खतरा है वो भी मंडरा रहा है और सरकार भी दोस्तों अलर्ट मोड पर है। कई राज्यों में NDRF और SDRF उतार दी गई है, लेकिन इस वक्त की ताज़ा अगर हम बात करें तो दोस्तों दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर दोस्तों जमकर बारिश हो रही है। हिमस्खलन बाढ़ की वजह से दोस्तों कई गाँवों को दोस्तों बाहर निकाला गया है सुरक्षित। और दोस्तों बता दें कि हिंडन नदी में का दोस्तों कहर देखने को मिल रहा है, बाढ़ के चलते यहां पर घरों में पानी घुस गया है। गुरुग्राम में 400 गाड़ियां दोस्तों भारी बारिश की वजह से डूब चुकी हैं। गाजियाबाद में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, पर हिंडन नदी में आई बाढ़ के चलते हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से ज़्यादा इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं बारिश से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि दोस्तों बहुत ही बिजी एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर भी पानी भर गया है। गाजियाबाद में बारिश से कई इलाकों की सड़कें डूब गई है। हिंडन नदी में आई बाढ़ के चलते घरों में पानी घुस गया है, इसलिए दोस्तों रोटी भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग। बता दें कि नोएडा गाजियाबाद में देर रात से बारिश लगातार हो रही है। नोएडा में पुराना सूतियाना तक नदी का पानी पहुंचा है। नोएडा में ओला की डंपिंग यार्ड में 400 गाड़ियां डूबी हैं। इंश्योरेंस न जमा करने पर यहाँ गाड़ियाँ दोस्तों लाई गई थी, लेकिन दोस्तों वो गाड़ियाँ अब पानी में डूब चुकी हैं।
दोस्तों हिंडन नदी ही नहीं उत्तर प्रदेश में और दोस्तों हरियाणा दिल्ली यहाँ पर दोस्तों बता दें कि जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है ये भी खतरनाक स्थिति से ऊपर चल रही हैं। पानी दोस्तों ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी दोस्तों अपील की गई है दूर चले जाएँ और भारी बारिश में दोस्तों आप घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता कर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारी बारिश को लेकर। इस समय देश के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और जमकर बारिश करा रहा है। अगले 48 घंटे 10 राज्यों के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दोस्तों जो सीमावर्ती ज़िले हैं यहाँ पर भारी से बहुत भारी यानी कि तेज़ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से सड़क संपर्क भी प्रभावित हो रहा है, तो वहीं नदियों का पानी गांवों में घुसने लगा है। बीते 24 घंटों में पार्वती नदी में आई उफान से श्योपुर जिले का राजस्थान से संपर्क कट गया है, तो वहीं बुरहानपुर जिले में एक तालाब के ओवरफ्लो होने की खबर सामने आई है। इधर मौसम विभाग ने दोस्तों बताया है राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र से जो भी सटे हुए ज़िले हैं यहाँ पर तेज बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल प्रदेश में 4 जो सिस्टम हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। वहीं दोस्तों बता दें कि बरसाती नदियों में भी इस समय तेज बहाव है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बना हथनूर पुल डूबने से 10 से ज़्यादा गांवों का जो जिलों से संपर्क है वो टूट गया है। वहीं ज़िले के जसौंधी में अजनडोह नदी पर बने तालाब के ओवरफ्लो होने से बाढ़ आ गई। और दोस्तों बता दें कि इस समय दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पहाड़ी राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख, यहाँ पर दोस्तों भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। तो दोस्तों कई जगह जल भराव हो गया है, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात दोस्तों यहां पर अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में बादल फटने को लेकर। मानसून की बारिश अब देश के विभिन्न राज्यों में दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही है। कहीं पर वज्रपात, कहीं पर भूस्खलन और कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे आम जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी बादल फटने की घटना सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम रूट पर डेंजर जोन लगभग 2 गुना हो गया है। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल के 8 जिलों, आगरा और मुंबई समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिले के रामपुरा में बीती रात 1:30 बजे बादल फटने से भारी तबाही हुई। रामपुर ब्लॉक की सरतारा पंचायत के कंदारा गांव में बादल फटने से प्राथमिक पाठशाला, युवक मंडल भवन सहित 6 मकान ढह गए। गनीमत यह रही कि मकान ढहने से पहले ही लोगों को रात में ही अपने घरों को छोड़ बाहर निकाल दिया था। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से लोगों के 1.5 दर्जन से ज़्यादा पालतू मवेशी बह गए और इससे कई बागवानों के सेब के बगीचे भी तबाह हुए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है और आधा दर्जन गाड़ियों को भी इससे नुकसान हुआ है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बादल फटने के बाद क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ के आसपास के वो दहशत में है। उधर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बीती रात की भारी बारिश के बाद फिर से 6 मील के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। वहीं पावटा साहिब सिलाई हाईवे 7 दिन बाद वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। इससे सतौन, कमरेऊ, तिलोरधान और कपोटा सिलाई और रौनहाट क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। दोस्तों बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट अगले 48 घंटों में बताया गया है। वहीं ताज नगरी में एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ के लिए चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है दोस्तों। वहीं उत्तराखंड के 4 धाम रूट पर डेंजर जोन 2 गुना हो गया है। ओडिशा में मलकानगिरी में बाढ़ में बहने से एक की दर्दनाक मौत हो गई है। तो मुंबई में भारी बारिश के बाद विहार और तानसा झीलें उफान पर चल रही हैं। तेलंगाना में भारी बारिश के
आसार जताए गए हैं। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में बताकर जाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भयंकर विनाशकारी और महाप्रलयकारी उल्कापिंड को लेकर। दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिक लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो कि नासा के वैज्ञानिक हैं। दोस्तों बता दें कि इस विशाल उल्कापिंड का नाम वैज्ञानिकों के द्वारा QL433 रखा गया है। अगर दोस्तों हम इसके आकार की बात करें तो विश्व की सबसे तीसरी बड़ी जो बिल्डिंग है, जिसका नाम है दोस्तों, जो कि संघाई में ही वो बिल्डिंग है दोस्तों, उसका आकार है 632 मीटर ऊंचा। तो इतना ही बड़ा ये विशाल उल्कापिंड है, जो कि पृथ्वी की ओर लगातार खिंचा हुआ आ रहा है। लगातार वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कहीं दोस्तों थोड़ी सी भी अगर इसकी दिशा बदलती है तो दोस्तों यह है पृथ्वी से टकरा जाएगा और दोस्तों महाविनाश कर देगा। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि उस टाइम बहुत समय पहले दोस्तों जब उल्कापिंड ही आया था कि सारी पृथ्वी पर महातबाही मचा दी थी और जो डायनासोर की प्रजाति थी वो दोस्तों पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। अफ्रीका में दोस्तों ये उल्कापिंड गिरा था। वहीं दोस्तों हमारे भारत की अगर हम बात करें तो दोस्तों वैसे ये जो छोटे छोटे उल्कापिंड हैं वो तो गिरते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो एक उल्कापिंड का ही उदाहरण है। अगर दोस्तों इस उल्कापिंड की रफ्तार की अगर हम बात करें तो 47,250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहा है। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात ये होगी कि ये पृथ्वी से टकराएगा या नहीं टकराएगा। दोस्तों बता दें कि 4 अगस्त को पृथ्वी से टकराने की आशंका जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वैसे हर अपडेट हमारे चैनल पर भी आपको मिलती रहेगी, इसलिए अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और किस राज्य या कहाँ से वीडियो देख रहे हैं बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीचर पर छात्राओं ने लगाया अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप, गुरु और शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। प्रतापगढ़ में आज एक सरकारी स्कूल की शिक्षक पर छात्राओं ने अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इसके बाद अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर शिक्षा विभाग ने अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में किया। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुधीर वोरा ने बताया कि वरमंडल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक यज्ञदत्त शर्मा के खिलाफ विद्यालय की ही बालिकाओं ने छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। इसके बाद विद्यालय में बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक पहुंचे और हंगामा करने लगे। उन्होंने शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण और अभिभावकों का कहना है कि इस शिक्षक के खिलाफ पहले भी शिक्षा विभाग में इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से इसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों के हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने के दोस्तों जो प्रयास वो किए गए। बाद में शिक्षक को पुलिस अपने साथ कोतवाली थाने ले गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, आखिरकार सच्चाई क्या है। जो छात्राएं कह रही हैं वो दोस्तों अगर सही निकलता है तो आप ही बताइए दोस्तों किस प्रकार से। देखिए, गुरु और जो शिष्य का रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और दोस्तों कुछ शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, वो इस रिश्ते को दोस्तों शर्मसार कर देते हैं। इन गुरुओं को दोस्तों कैसी सजा मिलनी चाहिए कॉमेंट बॉक्स बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरा का पूरा घर रुपयों से भरा हुआ मिला। 500-500 रुपयों के नोट मिले, सोने के बिस्कुट भी मिले हैं और 1 करोड़ का कैश बरामद किया है, अधिकारियों की फटी आंखें। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, धन कुबेर इंजीनियर के 3 राज्यों में 20 प्लॉट हैं। 98 लाख कैश के साथ सोने के बिस्कुट और हीरा जवाहरात भी मिले हैं।
दोस्तों घटना है बिहार की और बिहार का एक जिला है भागलपुर। दोस्तों यहां पर एक इंजीनियर है और यहां पर इंजीनियर की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार में इन दिनों विशेष निगरानी टीम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। निगरानी की टीम बिहार पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर छापेमारी करने पहुंची थी। पहले तो छापेमारी करने पहुंची टीम इंजीनियर के आलीशान आवास को ही देखकर दंग रह गई। इसके बाद जब छापेमारी की शुरुआत हुई तो पता चला कि इंजीनियर तो कुबेर के जैसा धन छुपा के बैठा है। इंजीनियर के घर निगरानी की टीम को 97,80,000 रुपये मिले हैं। ये नोट ट्रॉली बैग में रखे हुए थे। इसके साथ ही साहब के 3 राज्यों में जमीन के 20 प्लॉट के कागजात भी मिले हैं। साथ ही बीमा निवेश समेत दूसरे निवेश के कागजात अलग अलग है। दोस्तों इन सब का वैल्यू 1,47,41,569 रुपये बताया जा रहा है। जमीन बिहार के अलग अलग शहरों के साथ झारखंड के देवघर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। इंजीनियर ने 10 पॉलिसी में निवेश किया है और उनके पास 18 बैंकों की पासबुक भी मिले हैं। और दोस्तों सोने चांदी की जो जेवर हैं उनकी भरमार मिली है। यहाँ पर 24 कैरेट के गोल्ड बिस्कुट का जिसका जो वजन 580 ग्राम है, कीमत बाजार में दोस्तों 34.5 लाख है। वहीं 18 कैरेट के सोने के आभूषण जिसका वजन 700 ग्राम से ज़्यादा है और इनकी कीमत 32 लाख है। वहीं दोस्तों 3 किलो 230 ग्राम चांदी भी मिली है जिसकी बाजार में कीमत 13 लाख रुपये है। दोस्तों इस प्रकार के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीमा हैदर का बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार किस लिए भारत आई है? सीमा ने सरहद और सारी हदें पार की है। भारत और पाकिस्तान की मीडिया में हडकंप। प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इस वक्त काफ़ी चर्चा बनी हुई है। सचिन मीणा के प्यार में पागल सीमा सरहद और सारी हदें पार करके भारत आई है। सीमा ने सचिन से शादी भी कर ली है। दोनों की इस प्रेम कहानी को हजम कर पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। पबजी गेम खेलते खेलते सीमा को इस हद तक सचिन से प्यार हुआ कि वह अपने 4 बच्चों सहित भारत आ गई। ऐसे में अब बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल ने सीमा हैदर के भारत आने के पीछे के असली मकसद का खुलासा किया है। जो सुनील पाल है दोस्तों उसका भी एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सुनील पाल पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर दोस्तों कुछ बात करते नज़र आ रहे हैं। सुनील पाल दोस्तों कहते हैं कि सीमा हैदर के इंडिया आने की वजह पता चल गई है। सुनील पाल ने कहा है कि जो सीमा हैदर है वो सन्नी देओल सर की बहुत बड़ी फैन है। सीमा ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वह सन्नी देओल की बहुत बड़ी फैन है और उनकी फिल्म की हीरोइन बनना चाहती है। उन्हें दोस्तों एक्टिंग का भी बहुत शौक है, तो इसलिए सीमा को मुझे पूरा विश्वास है कि वो गदर 2 प्रमोट करने आई है। दोस्तों ये कहना है कॉमेडियन जो सुनील पाल है उनका। दोस्तों उनकी वह यह निजी राय है और आपका इस बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केमिकल फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, लाशों ही लाशों का लगा ढेर। एम्बुलेंस गाड़ियां तत्काल रवाना कर दी गई हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में दोस्तों एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में दोस्तों मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने दोस्तों अभी ये जानकारी दी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मखियाली गांव के पास बजरंग एलम केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट में दोस्तों 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है जो कि मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने कहा है कि मृतकों की पहचान 42 वर्षीय अली नवाज और 55 वर्षीय राम भरोसे के रूप में हुई है। वहीं दोस्तों बता दें कि जबकि
घायल कर्मचारी की पहचान 60 वर्षीय जयपाल के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि जिन अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें फर्स्ट एंड बॉक्स यानी कि प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल पाल ने कहा है कि जो सीमा और बेचारे गरीब मजदूरों की दर्दनाक मौतें हो रही है। इसलिए दोस्तों मजदूर भाइयों को मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप चाहे किसी भी कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, बड़ी सावधानी से और अलर्ट तरीके से काम करें है ताकि इस प्रकार के हादसे बिल्कुल भी ना हो। भगवान मृतक मजदूरों की आत्मा को शांति दे। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। कमेंट बॉक्स में पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कॉलेज लड़कियों के 5500 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सरकार के मंत्री का बेटा ही निकला मास्टरमाइंड, मचा हडकंप और पुलिस फोर्स तैनात। हमारा देश हो या विदेश हो दोस्तों, लड़कियों और महिलाओं की इज्जत करनी ही चाहिए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में छात्राओं के 5500 अश्लील वीडियो मिलने का मामला सामने आया है। इसे सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है। यह स्कैंडल दुनिया के लिए दोस्तों एक चर्चा का सबब बन गया है। दोस्तों बता दें कि उधर इस मामले में पाकिस्तान का जो उच्च शिक्षा आयोग है यानी कि HEC है, उसने दोस्तों इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर घोटाले की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का फैसला भी कर लिया है, जिसमें 3 कुलपति और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है 5500 लड़कियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना। पाकिस्तान के बहावलपुर के इस्लामिया विश्वविद्यालय की छात्राओं के 5500 से अधिक वीडियो मामले में पुलिस जांच में पता चला है कि इस स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री का बेटा ही है। शहबाज शरीफ कैबिनेट में शामिल केंद्रीय मंत्री चौधरी तारिक बशीर चीमा का बेटा इजाज शाह विश्वविद्यालय की लड़कियों को ड्रग्स देकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करवाता था। वहीं दोस्तों बता दें कि सैकड़ों छात्राओं के यौन शोषण के लिप्त में था मंत्री का बेटा। डांस और पार्टी के लिए भी दोस्तों दबाव डाला जाता था। मंत्री ने दोस्तों बता दें कि बेटे को बचाने की अब कोशिश की है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए। देखिए दोस्तों, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो या चीन हो, लड़कियों की इज्जत दोस्तों एक होती है और हम सभी को इज्जत करनी चाहिए। जो दोस्तों इस प्रकार से गलत कार्य करते हैं उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए कॉमेंट बॉक्स में बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरा का पूरा बाजार जलकर राख, दुकानदारों का रो रो कर बुरा हाल। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल रवाना कर दी गई हैं, मौके पर हडकंप मचा हुआ है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक जिला है कानपुर, यहाँ पर दोस्तों आग लगने की घटनाएँ अभी थम नहीं रही हैं। दोस्तों बता दें कि कानपुर के अरमापुर बाजार परिसर स्थित बुक स्टॉल में सुबह आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपने अगल बगल के 6 अन्य दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं उठता देखकर जो इलाके के लोग थे उन्होंने दोस्तों फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो अरमापुर फायर स्टेशन और रक्षा प्रतिष्ठानों से पहुंची 5 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। अरमापुर बाजार में रावतपुर गांव निवासी कन्हैया मिश्रा की बुक स्टॉल की दुकान है। दोस्तों बता दें कि आज सुबह करीब 8 बजे अचानक दुकान में आग लग गई, जिसमें अगल बगल की प्लास्टिक जनरल स्टोर समेत 6 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लपटे और धुआं उठता देखकर इलाके के जो लोग हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस पर अरमापुर परिसर स्थित फायर स्टेशन से रक्षा प्रतिष्ठान की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दुकानों में दोनों तरफ से तोड़कर पानी डालना शुरू किया गया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दुकानदारों का कहना है कि आग लगने की घटना संदिग्ध है, क्योंकि बाजार खुलने पर जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम तो लाइट आती ही नहीं है। दोस्तों पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, आखिरकार किस प्रकार से दुकानों में आग लगी। दुकानदारों को दोस्तों रो रो कर बुरा हाल है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भयंकर आकाशीय बिजली गिरने से गांव में मची रोयाधाड़ और गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल। पिछले 24 घंटों में 20 बार गिरी आकाशीय बिजली। दोस्तों आप सभी को पता है इस वक्त देश में मानसून सक्रिय है और जमकर बारिश करा रहा है। ऐसे में दोस्तों कई राज्यों में वज्रपात, भूस्खलन, बाढ़ जैसी जो घटनाएँ हैं सामने आ रही हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन साथियों बता दें, सबसे अत्यधिक कुदरत का कहर भी बरप रहा है। वज्रपात, आकाशीय बिजली गिरने के कारण कई लोगों, पशु और पक्षियों, जानवरों की दोस्तों दर्दनाक मौतों की जो जानकारी है सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों बता दें, बालाघाट में भी मौसम दोस्तों अचानक से ख़राब हो गया और यहां पर दोस्तों जिले के कंटकी थाना अंतर्गत ग्राम नवे गांव में सुबह 6 बजे गरज चमक के साथ अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से किसान और एक बैल की दोस्तों दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि किसान बैल जोड़ी लेकर घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है। और घटना के संबंध में जो कि सरपंच प्रतिनिधि है विजय बाघाईडी ने बताया है कि जो किसान था ओमकार रणसेंडे, वो दोस्तों उन्होंने ठेके पर एक खेत ले रखा था और उसमें धान की रोपाई का कार्य जारी था और वहां पर दोस्तों वो सुबह बैल जोड़ी लेकर खेत को जाने को निकला था। लेकिन दोस्तों कुदरत का कहर बरपा, आकाशीय बिजली गिरी अचानक से और दोस्तों जो बैल था और किसान था उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी सुनते ही दोस्तों पूरे गाँव में हडकंप मच गया। रो रो कर जो उनके परिजन थे उनका बुरा हाल है। इसलिए दोस्तों आपसे कहते हैं कि जब भी भारी बारिश हो तो घरों में ही रहें, बाहर न निकले, क्योंकि दोस्तों लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मुहर्रम ताजिया को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर, एम्बुलेंस गाड़ियां तत्काल रवाना, पीएम मोदी हुए भावुक, पूरे देश में छाई शोक की लहर तथा दोस्तों पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुहर्रम जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में दोस्तों एक ताजिया आ गया है। दोस्तों घटना है बिहार की। बिहार के दोस्तों बता दें कि गोपालगंज से यह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों बता दें कि मुहर्रम के जुलूस में अचानक से करंट लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते चले दोस्तों, इस दौरान 11 लोग झुलस गए हैं। इसके बाद ही आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही इस घटना में 4 लोगों की गंभीर स्थिति बनी हुई है, जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। यहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया लेकर निकले थे और अचानक ताजिया हाई टेंशन तार पर टच हो गई। इसके बाद उस पूरे ताजिए में दोस्तों करंट फैल गया, जिससे 11 लोग दोस्तों बुरी तरह से झुलस गए। बताते चले दोस्तों, मुहर्रम को लेकर पूरे जिले भर में वैसे तो अलर्ट जारी किया गया था और इसके चलते दोस्तों डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च निकालकर मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि इस त्यौहार को पूरी तरह से शांतिपूर्ण मनाया जाए। इस दौरान सभी को जो रूट हैं वो भी तय किए गए थे ताजिया निकालने के लिए। वहीं दोस्तों बता दें कि फिर भी ये बड़ा हादसा हो गया, इसलिए दोस्तों अभी भी डीएम ने शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने को अपील की है। और दोस्तों आप अपील माने, शांतिपूर्ण तरीके से आप ताजिया निकालें। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है 2 सींग वाला धूमकेतु। आकार, ऊंचाई, स्थिति जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। जी हाँ साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, सूरज की ओर बढ़ते एक धूमकेतु को फटते हुए वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है। 2 सींगों वाला यह धूमकेतु जल्द ही पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। इसके केंद्र का जो व्यास है वो करीब 30 किलोमीटर है। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इसका व्यास ही 30 किलोमीटर है तो इसका आकार कितना होगा, यानी किसी शहर के बराबर। खास बात यह है कि इसके केंद्र के चारों तरफ निकल रही धूल, बर्फ, गैस का फैलाव 7000 गुना ज़्यादा है, यानी करीब 2.30 लाख किलोमीटर। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो फट रहे हैं। सामान्य तौर पर धूमकेतु ठोस न्यूक्लियस से बने होते हैं, जो बर्फ, धूल, गैस के मिश्रण से भरे होते हैं। ये गैस के एक धुंधले बादल से घिरे होते हैं, जिसे कोमा कहते हैं।
दोस्तों बता दें कि ये धूमकेतु के आंतरिक भाग से लीक होती है, लेकिन अन्य धूमकेतु से अलग ये दो सींग वाला धूमकेतु है जिसके अंदर गैस बर्फ इतनी ज़्यादा जमा हो गई कि इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। दोस्तों बता दें कि ज्वालामुखी फटने से बर्फ निकल रही है। इस धूमकेतु का नाम 12P PONS ब्रॉक्स 12P रखा गया है, जो कि दोस्तों एक क्रायो वोल्केनिक जो धूमकेतु होता है वो है, यानी कि ठंडे ज्वालामुखी वाला यह धूमकेतु है। लगातार दोस्तों इसके ज्वालामुखी से आग नहीं बल्कि बर्फ निकलती है और इस धूमकेतु के केंद्र में ठोस बर्फ धूल गैस भरी पड़ी है जिसके चारों तरफ गैस के बादल हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि एक विशाल उल्का पिंड जो कि दोस्तों 4 अगस्त को पृथ्वी से टकरा जा सकता है, उस पर भी नासा के वैज्ञानिक लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आखिर दोस्तों कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार अंतरिक्ष से भी रहस्यमयी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली NCR में भारी बारिश, नोएडा गाजियाबाद में स्कूल बंद करने पड़े हैं, सड़कों पर भरा पानी ही पानी, ओडिशा महाराष्ट्र में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मानसून को लेकर। देश में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बादल फटने की जो घटनाएँ हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में दोस्तों भारी तबाही मचा रखी है। वहीं तटीय इलाकों की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चपेट में है। तेलंगाना में दोस्तों सभी स्कूल और कॉलेज भारी बारिश की वजह से बंद किए गए थे। वहीं दोस्तों बता दें कि इन क्षेत्रों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में पनप रहे चक्रवाती तूफान को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में दोस्तों ये स्थिति पैदा हुई है। राजधानी दिल्ली में भी दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है और यहाँ अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लगातार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पड़ोसी राज्य हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही निरंतर बारिश के कारण आने वाले दिनों में एक बार फिर राजधानी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नोएडा और गाजियाबाद में दोस्तों स्कूलों को बंद कर दिया था। दिल्ली NCR के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम वाले इलाकों में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। वहीं दोस्तों बता दें हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण नोएडा इकोटेक क्षेत्र में पानी भर गया है और हजारों गाड़ियां यहां पर डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली NCR में दोस्तों आज सुबह सुबह भी तेज़ बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी लबालब भर चुका है और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद में दोस्तों बता दें कि स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। तेलंगाना के निजामाबाद में 24 घंटों में 400 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र के 4 जिलों में दोस्तों रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के भी दोस्तों लगभग 10 जिले हैं, इनमें दक्षिणी कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलूर, कोडागू और शिवमोग्गा जो जिले हैं यहाँ पर दोस्तों जमकर बारिश हो रही है। ओडिशा को भी दोस्तों अभी अगले 3-4 दिनों तक जो बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है, जमकर बारिश होने वाली है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जमकर साथ हो रही है और अब मानसून दोस्तों बता दें कि पूर्वी जिले जो कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर इधर भी आ गए हैं। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मुंबई में भारी बारिश को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में दोस्तों अगले 2 दिन भी भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है, साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी गई है। रेड और ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। दोस्तों नौबत यहाँ तक आ गई है कि स्कूल भी बंद करने पड़े हैं, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है। इस समय मुंबई राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश से कुछ इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया
गया है। नदियां दोस्तों यहां की जो मुख्य नदियां हैं वो उफान पर हैं, इसलिए बाढ़ की स्थिति भी बन गई है। वहीं दोस्तों बता दें कि इस बीच मुंबई उपनगरों और ठाणे में भारी बारिश जारी है, साथ ही कोंकण और विदर्भ समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दोस्तों अगले दो दिन भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का जो क्षेत्र बना है दोस्तों उससे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है और दोस्तों बता दें कि अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश बढ़ने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। इस बीच मुंबई में दोस्तों बता दें कि आज भी और अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बता दें कि कई जगह स्कूल भी बंद करने पड़े हैं मुंबई में, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है। बताते चले दोस्तों रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिलों को बारिश के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अंजू का असली पति कौन, अरविंद या पाकिस्तान का रहने वाला नसरुल्ला, अब होगा सुरक्षा एजेंसियों से सामना, कानूनी उलझनों का पहाड़। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि यहां पर अंजू का जो लीगल पति है वो अब कौन होगा, अरविंद होगा या नसरुल्ला, सुरक्षा एजेंसियों से भी दोस्तों अब सामना होने वाला है। क्या आसान होगा भारत लौटना? ग्वालियर की अंजू दोस्तों इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त कश्मीर से ज्यादा चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू अब फातिमा भी बन गई है और दोस्तों इस्लाम धर्म अपना लिया है। पाक मीडिया यह दावा कर रहा है कि अंजू अपने प्रेमी नसरुल्ला से निकाह भी कर लिया है। अब अगर 20 अगस्त को वीजा खत्म होने के बाद अंजू भारत आएगी तो उसके सामने कानूनी उलझनों का पहाड़ होगा। अंजू को न सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसियों की जांच से गुजरना पड़ेगा बल्कि पति को छोड़ दूसरे देश में धर्म बदलकर शादी करने की वजह से उसे कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर वीजा अवधि खत्म होने के बाद अंजू भारत लौटती है तो उसे कई कानूनी प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अवधेश तोमर का कहना है कि अगर अंजू को पाकिस्तान में निकाह के बाद वहां सरकार ने राहत नहीं दी तो फिर उसे वीजा अवधि खत्म होने के बाद भारत लौटना पड़ेगा। अंजू के भारत लौटने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों की उस पर निगाह रहेगी और दोस्तों बता दें कि यह भी पता लगेगा कि आखिरकार अंजू का जो लीगल पति है वो दोस्तों अरविंद होगा या दोस्तों पाकिस्तान का नसरुल्ला होगा। वहीं पाकिस्तानी एजेंट नहीं होने का देना होगा सबूत। ये दोस्तों सारी जो सवालों के जवाब हैं वो अब अंजू के सामने एक चुनौती बन गए हैं। दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल को, हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही जिस प्रकार से दोस्तों अंजू ने किया है, अपने दो बच्चों को छोड़कर भारत में पाकिस्तान चली गई, निकाह कर लिया वहां पर और इस्लाम धर्म अपना लिया, ये कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में ये भी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 8 लोगों की मौत और कई इमारतों को नुकसान, एम्बुलेंस गाड़ियां तत्काल रवाना, प्रधानमंत्री मोदी भावुक और शोक की लहर छाई। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री में दोस्तों आज जोरदार धमाका हुआ। धमाके में फैक्ट्री में काम करने वाले 8 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों को भी दोस्तों बहुत नुकसान हुआ है। धमाका तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुआ है। कहा जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि पटाखा फैक्ट्री के पास के एक होटल की इमारत भी ढह गई और 4 अन्य जो बड़ी इमारतें थी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे कई लोग दोस्तों वहां पर फंस गए हैं। पुलिस ने बताया है कि अब तक गंभीर रूप से घायल 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इनमें दोस्तों कई बेहद गंभीर रूप से घायल भी हैं जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर दोस्तों जो दमकल की गाड़ियां हैं, बचाव दल है, आग बुझाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। घटना स्थल पर मौजूद जिला कलेक्टर ने कहा है कि विस्फोट के बाद मौके पर पहुंचे बचाव कर्मी अभी तक मलबे में फंसे लोगों की कुल संख्या का पता नहीं लगा सके हैं। उन्होंने कहा है कि विस्फोट के कारणों के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल पाई है।
दोस्तों लगातार इस प्रकार के हादसे सामने आ रहे हैं, इसलिए मजदूर भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी काम करें सावधानी से और अलर्ट तरीके से करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के हादसे ना हो। मृतक मजदूरों की आत्मा को भगवान शांति दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। स्टाम्प पेपर पर बिकी बेटी, कर्ज चुकाने के लिए पिता ने किया बड़ा सौदा, पीड़िता ने बताई आप बीती और रो रो कर बुरा हाल है। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, जो कि दोस्तों बुरी तरह से शर्मसार हुआ है। भीलवाड़ा जिले में स्टाम्प पेपर पर बेटी बेचने का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा शहर से 80 किलोमीटर दूर दोस्तों एक जगह पड़ती है काछोला। यहां पर काछोला की रहने वाली 17 साल की अन्नू, दोस्तों अन्नू का यह बदला हुआ नाम है, उन्होंने दोस्तों अपने परिजनों और समाज के कुछ लोगों के साथ एसपी आदर्श सिद्धू के सामने पेश हुई थी। साथ ही विस्तार से बात करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सामाजिक कार्यकर्ता ग्यारसी लाल ने बताया कि भीलवाड़ा जिले से पहले भी बेटियों के बेचने के मामले सामने आए हैं। प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस का भी सकारात्मक सहयोग नहीं रहा है। समाज के पंचों का गिरोह बना हुआ है, वह लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ये गिरोह गरीब परिवार को उधार रुपये देकर फंसाते हैं, ज़्यादा पैसा उधार होने के बाद स्टाम्प पर लिखवा कर बेटियों को खरीद लेते हैं। इन बेटियों को टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों और अन्य प्रदेशों में देह व्यापार के लिए भेज दिया जाता है। भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह ने बताया कि उनके निर्देश पर काछोला पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दोस्तों अभी भी जो समाज है बहुत शिक्षित हो गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बहन और बेटियों पर दोस्तों लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आखिरकार दोस्तों जिम्मेदारी कौन लेगा? हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अचानक से 10 साल बाद मिला खोया हुआ पति, हालत थी भिखारी जैसी, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, भिखारी पति को लगी दुलारने और संवारनी। जी हाँ साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया दोस्तों, यहाँ से यह मार्मिक घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बलिया से जो प्रेम प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा की करुण कहानी सामने आई है। यहाँ एक महिला ने दावा किया है कि जब वह अपने इलाज के लिए जिला अस्पताल गई तो वहाँ उसे एक विक्षिप्त सा आदमी दिखाई दिया। जब और नज़दीक पहुंची तो वह शख्स 10 साल पहले लापता हुआ उसका ही पति नज़र आया। यह देखते ही वह बिलक पड़ी और किसी मासूम बच्चे की तरह उसे संवारने और दुलारने लगी। अस्पताल के बाहर भिखारी जैसी वेशभूषा में दिखने वाले शख्स के सामने एक महिला को बैठे देख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मानसिक रूप से विक्षिप्त नज़र आ रहे शख्स के बाल और दाढ़ी बेतरतीब ढंग से बढ़ी हुई थी, जो कि आप दोस्तों वीडियो और फोटो में देख सकते हैं। मेले कुचेले कपड़े पहने हुए जमीन पर उकडू बैठा हुआ था। महिला उसके बाल संवारने और शरीर को साफ करती हुई नजर आ रही थी। साथ ही रोते बिलखते हुए स्थानीय बोली में कहती नजर आ रही थी कि 10 साल पहले लापता हो गई थी, इतने दिनों से कहाँ थी, क्यों चली गई थी, जैसे सवाल एक साथ पूछती नजर आ रही थी। हालांकि वह शख्स कुछ भी बोलता नजर नहीं आ रहा था, गुमसुम ही बैठा हुआ था। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, महिला ने उस दौरान मोबाइल से घर पर शायद बच्चों को कॉल किया और कहा कि एक कुर्ता ले आओ। इसके बाद एक युवक बाइक से आया और महिला समेत मानसिक विक्षिप्त शख्स को अपने साथ ले गया। फिलहाल इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने पर समाज सेवी समेत अन्य लोग उस महिला की तलाश में जुट गए हैं, ताकि महिला और उस शख्स की किसी तरह से मदद कर सकें। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने अंजू को गिफ्ट किया 40 लाख का फ्लैट।
कहा इस्लाम अपना लिया है, अब कोई कमी नहीं होने देंगी। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत से भागकर पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम अपना लिया है। उन्होंने अपना नाम भी बदलकर फातिमा रख लिया है। वह नसरुल्ला नाम के शख्स से प्यार करती है। इस कड़ी में पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने अंजू से फातिमा बनी भारतीय महिला को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया है। इस फ्लैट की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही बिजनेसमैन ने अंजू उर्फ फातिमा को अपनी कंपनी में नौकरी देने का भी वादा किया है। बिजनेसमैन अन्य लोगों को भी इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बताते चले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी इनके जो CEO है मोहसिन खान अब्बासी, उन्होंने कहा है कि भारतीय मुल्क से आई महिला ने इस्लाम को अपनाया है, इसलिए यह हमारा फर्ज बनता है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, पाकिस्तान में उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। बिजनेसमैन ने अंजू को एक चेक भी सौंपा है, हालांकि चेक में कितने की रकम है इसका जिक्र अभी नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों जो बिजनेसमैन हैं अब्बास, वो बोले हैं कि अंजू को घर बैठे सैलरी मिलेगी और दोस्तों उससे वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान सरकार से भी उन्होंने गुजारिश की है कि वे अंजू की मदद करें। दोस्तों किस किस प्रकार से यहां पर जो पाकिस्तान का असली चेहरा है वो दोस्तों सामने आ रहा है, किस प्रकार से यहां पर लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दोस्तों प्रेरित किया जा रहा है, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पिकनिक मनाने गए 6 दोस्त पानी में बहे, पूरे गांव में मची रोयाधार। नहाते समय अचानक बहुत तेज पानी आने से बह गए 6 दोस्त, 3 अभी भी लापता हैं। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है शहडोल जिले से। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना अंतर्गत बनास नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए 6 दोस्त अचानक नदी के तेज बहाव में देखते ही बह गए। बहे 6 युवकों में 3 युवक जल्द ही किनारे पर आकर सुरक्षित नदी से बाहर निकल आए, लेकिन साथियों बता दें 3 अन्य दोस्त शुभम चतुर्वेदी, अंकुश तिवारी, प्रियांशु तिवारी नदी की तेज धार में लापता हो गए। पुलिस ने बताया है कि 6 युवकों में से 1 युवक को रेस्क्यू कर नदी से वापस निकाल लिया गया है। वह तेज बहाव के दौरान एक पेड़ के सहारे नदी पर फंसा था। 3 युवकों का अभी कोई भी अता पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया है कि रेस्क्यू लगातार जारी है, मौके पर ब्योहारी पुलिस मौजूद है, NDRF की टीम को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। सभी युवक ब्योहारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सीधी जिले के पुलिस को भी यहां पर अलर्ट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, लगातार इस प्रकार की घटनाएँ सामने आ रही हैं, फिर भी लोग दोस्तों सतर्क नहीं हो रहे हैं और लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। दोस्तों अब अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, ताकि इस प्रकार के जो हादसे हैं वो बिल्कुल भी ना हो, और जल्द भगवान से दुआ कीजिए कि जो 3 दोस्त लापता हैं वो भी जल्द से जल्द दोस्तों मिलें और बुरी खबर नहीं मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तान का विमान 1 घंटे से ज़्यादा देर तक 3 राज्यों के ऊपर उड़ता रहा, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के एक विमान का भारतीय सीमा में प्रवेश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह विमान करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक भारतीय एयर स्पेस के ऊपर उड़ता रहा, वो भी बिना अनुमति के। पाकिस्तानी विमान राजस्थान समेत 3 राज्यों के भारतीय एयर स्पेस में उड़ता रहा। इन राज्यों में से किसी को भी इसकी खबर तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक शाम के समय 4:31 पर पाकिस्तानी यात्री विमान PIA 308 ने कराची से इस्लामाबाद की उड़ान भरी थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में मौसम खराब हो गया और इसकी वजह से विमान अपने ट्रैक से भटक गया था और फिर शाम 5:02 पर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। वहीं दोस्तों बता दें, पाकिस्तान से भटका हुआ विमान पाकिस्तान के हैदराबाद से राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया।
यहां से हरियाणा और पंजाब के ऊपर से गुजरता हुआ विमान करीब 1 घंटे और 12 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस में घूमता रहा। हालांकि पंजाब में प्रवेश के बाद 6:14 पर पाक विमान ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में वापसी कर ली। तो दोस्तों एक और पाकिस्तानी बोलते हैं हम अंजू को फ्लैट दे देंगे, 40 लाख रुपए दे देंगे, उसको नौकरी दे देंगे। अगर ये अपने दोस्तों पायलटों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दे तो इस प्रकार के जो हालात हैं इनके नहीं बनते। एक और दोस्तों खुद भिखारी बन रहा है और दोस्तों अंजू को नौकरी दे रहा है, फ्लैट दे रहा है, उसको 40 लाख रुपये का कैश दे रहा है। अरे भाई वो जो कंपनी का मालिक है, बिजनेसमैन है, वो अपनी वहाँ की जो आवाम है उसको देखे और उसके प्रति दरिया। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। ताजिया जुलूस के दौरान राजस्थान में हुआ बड़ा हादसा, लाशों ही लाशों का लगा ढेर, युवाओं को लगा ऐसा झटका, कईयों की हो गई मौत। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के धौलपुर जिले से मातम की खबर सामने आई है। परिवार के जवान लड़कों की मौत होने के बाद घरों में कोहराम मचा हुआ है। घरों में दोस्तों चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। एक जरा सी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल धौलपुर जिले में कल रात ताजियों को सुपुर्द खाक करने जा रहे युवाओं को 11,000 वोल्टेज का करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा धौलपुर जिले के पुराने शहर सैतानपुर इलाके में हुआ है। हादसे के बाद टाउन पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सबसे पहले बिजली जो सप्लाई है वो दोस्तों कटवाई। उसके बाद तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे जो कि दोस्तों अभी भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि करबला में ताजियों को दफनाने के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ थी। 7 से 8 युवकों ने ताजिया पकड़ रखा था। इस्लामपुरा और सैतानपुरा में रहने वाले इन लड़कों को अचानक से करंट लगा। 7 लड़कों ने ताजिया थाम रखा था। इनमें मुबीन, अनवर, रेहान, वसीम और अन्य लड़के शामिल थे। ताजिए के ढांचे को इन 4 लड़कों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। 3 अन्य लड़के इनकी मदद कर रहे थे। बताते चले 11,000 केवी की लाइन को छू गया था ताजिया और चिपकने लगे एक के बाद एक युवक, जिनमें से दोस्तों बता दें कि 7 लड़के इसकी चपेट में आ गए। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत तो बेहद गंभीर बनी हुई है। वह 30% से ज्यादा झुलस चुके हैं। दोस्तों बता दें कि शेरगढ़ इलाके में इस घटना के बाद कोहराम मच गया और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दोस्तों मृतकों की आत्मा को अल्लाह शांति दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह अल्लाह अवश्य लिखे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से और दोस्तों बता दें दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी हिंसा हो गई है। पथराव में 6 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हो गए हैं और कई वाहन यहां पर दोस्तों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और अलग अलग प्लेटफार्म जो कि सोशल प्लेटफार्म है वहां जो हिंसा हुई है दोस्तों, पुलिस वालों पर पथराव किया गया है, अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया है, उसके भी जो वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर दोस्तों बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के जो नांगलोई इलाका है यहाँ पर दोस्तों मुहर्रम के जुलूस के दौरान आज लोगों के एक समूह और पुलिस कर्मियों के बीच दोस्तों भयंकर झड़प हो गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग दोस्तों बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कई जो वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इनमें बड़े से लेकर छोटे वाहन भी हैं। पुलिस अधिकारियों ने दोस्तों अभी अभी ये जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुहर्रम के ताजिया जुलूस के पूर्व निर्धारित मार्ग को बदलने को लेकर दोस्तों बहस के बाद जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर अचानक से पथराव कर दिया, जिसके बाद झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों की अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हरिंदर सिंह ने कहा है नांगलोई इलाके में कई ताजिया जुलूस निकाले जा रहे थे और उनमें करीब 8 से 10 हजार लोग शामिल थे, यानी कि दोस्तों बहुत सारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। बताते चले उनमें करीब 8 से 10 हजार लोग शामिल हुए थे और 1-2 आयोजक बेकाबू हो गए थे। उन्होंने अपने जुलूस का जो रूट पहले से तय किया था उसे बदलने की कोशिश की गई। दोस्तों हरिंदर सिंह जो कि पुलिस उपायुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि जब पुलिस ने इसका विरोध किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को दोस्तों लाठी चार्ज भी करना पड़ा और उन्हें इलाके से खदेड़ दिया गया। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के साथ झड़प हुई है जुलूस वाले लोगों की।
और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल। इसलिए अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। खबर इस प्रकार से है जिसे सुनकर दोस्तों आपका भी दिल दहल जाएगा, रूह कपा देने वाली खबर है। महिला ने अपने ही पति के कुल्हाड़ी से दोस्तों एक नहीं बल्कि छह छह टुकड़े कर दिए और शव का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि दोस्तों देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आ रही है, एक जिला है पीलीभीत, यहां पर दोस्तों गजरोला क्षेत्र है और गजरोला क्षेत्र में शिवनगर निवासी रामपाल का शनिवार को नहर से धड़ भी बरामद हो गया है। बेटे ने पिता के धड़ की शिनाख्त कर ली है और शुक्रवार को दो बोरों में हाथ पैर और सिर मिले थे। वहीं दोस्तों उनके शव के छह टुकड़े किए गए थे। सबसे बुरी खबर दोस्तों, नहर से बरामद शव के टुकड़ों को देखकर लोगों का दोस्तों जो कलेजा है वो कांप गया। रामपाल 24 जुलाई की रात पत्नी दुलारी देवी ने दोस्तों उनकर कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी थी और शव के छह टुकड़े करके दो बोरों में भरकर नहर में भी फेंक दिया था। वहीं दोस्तों बता दें पुलिस ने निगोही ब्रांच की शिवनगर नहर में पानी का बहाव बंद करके दोस्तों दियुरिया कोतवाली के गांव पकड़िया के पास दो बोरे से रामपाल के हाथ पैर और सिर बरामद कर लिए हैं, लेकिन धड़ नहीं मिला था। और बताते चले दोस्तों पुलिस ने तलाश जारी रखी और आज दोस्तों बता दें कि सुबह दियुरिया कोतवाली क्षेत्र में जो गांव है लमुआ, यहां के निकट नहर में ग्रामीणों ने धड़ भी पड़ा देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दे दी। जरा चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह फोर्स के मौके पर पहुंचे और सोमपाल ने अपने पिता रामपाल के धड़ की शिनाख्त की है, धड़ को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो ये हत्या की गई थी ये दोस्तों लव स्टोरी के चक्कर में की गई थी, प्रेमी भी अब हिरासत में ले लिया गया है और घटना में संलिप्तता से दोस्तों बार बार इनकार कर रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन साथियों देखिए, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और फिर भी कुछ लोग दोस्तों इस प्रकार से कर देते हैं, उनके साथ किस प्रकार से उनको सजा मिलनी चाहिए कॉमेंट बॉक्स में बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मुहर्रम का जुलूस देखने गई नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस फोर्स तैनात, मचा हडकंप। खेतों में पड़ी मिली पीड़िता, आरोपियों पर लगा पॉक्सो एक्ट। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है बिहार से। बिहार का एक जिला है अररिया और अररिया जिले में मुहर्रम के मातम के दौरान सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। जिले के फारबिसगंज में 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस मामले में पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में दोस्तों आप दोनों आरोपियों को देख भी रहे होंगे। साथ ही पीड़िता की मां के आवेदन पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। जिले के नरपतगंज में घटित गैंगरेप की घटना की गूंज समाप्त भी नहीं हुई कि बगल के फारबिसगंज की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता की मां ने अपने आवेदन में कहा है कि घर के पास मुहर्रम के मौके पर मातमी जुलूस मनाया जा रहा था, उसी दौरान बाहर गई 17 वर्षीय बेटी अचानक से गायब हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद पास के खेत में नाबालिग नग्न अवस्था में दिखी। वहीं पर दो लड़के भागने की कोशिश करते दिखे। शोर मचाने पर अगल बगल के लोगों की मदद से दोनों को पकड़ लिया गया। सूचना देकर पुलिस बुलाई गई और दोनों को थाने भेज दिया गया। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों में एक का नाम मोहम्मद अस्पाक और पिता मोहम्मद बशीर और दूसरे का नाम मोहम्मद मुमताज, पिता खुर्शीद बताया जाता है। एक आरोपी नरपतगंज थाना के पतराहा पंचायत के मोती टप्पू वार्ड का निवासी है। इस संबंध में फारबिसगंज थाना अध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में दोस्तों बता दें पॉक्सो एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की गई है। गिरफ्तार दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में जिला पुलिस की ओर से भी प्रेस रिलीज जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो नाबालिग है वो मेले में जुलूस देखने के लिए गई थी, मुहर्रम ताजिए का जो जुलूस चल रहा है उसको क्या पता था कि मेले और जुलूस में दरिंदे भी घूम रहे हैं और दोस्तों उसके साथ ये घटना घटित हो जाएगी।
अपराधियों पर दोस्तों कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस, से पूरी छानबीन की जा रही है। और हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।